ये लगभग अगस्त में, जुलाई और अगस्त में ध्यान रखिए, ज़्यादातर अगस्त में जनरली देखा है 30 अगस्त तक इसकी अंतिम तारीख होती है। ये प्रमुख समाचार पत्र में तो आती ही है, साथ ही इसकी जो वेबसाइट है mpmissionexcellence.in, इस पर भी आपको मिलेगी। अच्छा, इसमें भी शिक्षक भी आपके साथ में जाते हैं, तो लगभग इसके लिए 55 पालक शिक्षक का चयन होता है, जिसमें से कि चूँकि हर ग्रुप में 10 शिक्षक दिए जाते हैं और हर 10 शिक्षक में लगभग 5 महिला शिक्षक, 5 पुरुष शिक्षक जो लड़कों के साथ रहते हैं, और गर्ल्स के साथ 5 महिलाएं शिक्षिकाएं रहती हैं और 5 समूह प्रभारी रहते हैं। मतलब हर जो दल है, ये 8वीं से लेकर 12वीं तक का, हर दल के साथ में एक समूह प्रभारी भी होता है। MPCST के अधिकारी लोग भी साथ में जाते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है। अलग अलग कंपार्टमेंट में, 2 कंपार्टमेंट, 2 अलग अलग डब्बे लगते हैं, एक बॉयज़ के लिए और एक गर्ल्स के लिए। जो पुरुष शिक्षक प्रभारी रहते हैं वो बच्चों के साथ रहते हैं, और महिला शिक्षक प्रभारियाँ जो होती हैं वो गर्ल्स के साथ रहती हैं। तो बहुत ही अनुशासित व्यवस्था रहती है। और आप इस पर आवेदन करेंगे, जो भी तय दिनांक बताई जाएगी आपको, इसके बाद में उसका आप प्रिंट निकलवाएंगे, उसका फ़ोटो और उसके साथ ही जो नीचे जानकारी है वहाँ पर आप अपने प्राचार्य से, अपने विद्यालय के प्राचार्य से हस्ताक्षर करवाएंगे। फिर उसके बाद जो अन्य जानकारियाँ हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र है या आपके और भी कोई सर्टिफिकेट अगर लग रहे हैं, तो वो आप उन सर्टिफिकेट्स को लगाकर रजिस्टर्ड डाक द्वारा जो पता उसमें लिखाया जाता है आपको उस पर भेजना है। कोरियर वगैरह अलाउड नहीं है, आपको रजिस्टर्ड डाक से, पोस्ट ऑफिस से भेजना है। यात्रा की अवधि इसमें 10 दिन रहती है, अक्टूबर में ही होती है हमेशा यात्रा। और 10 दिन की यात्रा में कहाँ कहाँ जाते हैं, ये जो 5 अलग अलग ग्रुप बनते हैं, 5 अलग अलग जगह जाते हैं। जैसे इस बार 2018 में जो 8th का ग्रुप था वो अहमदाबाद गया, 9th का था वो पुणे गया, 10th कक्षा का जो ग्रुप था वो लखनऊ गया, 11th का देहरादून गया और 12th का हैदराबाद। ये स्थान चयन अलग अलग वर्ष में अलग अलग होते रहते हैं, कभी चेन्नई भी कराया गया, कभी बेंगलोर भी, इस तरीके से इस स्थान जो है बदलते रहते हैं। अच्छा, इसमें देखिए आप कि अध्येता वृत्ति, यानी इसके साथ साथ आपको और क्या फ़ायदा है कि आपको ये यात्रा करने का मिल रहा है, इसका पूरा खर्च मध्य प्रदेश सरकार उठा रही है, लेकिन इसके साथ ही आपको छात्रवृत्ति कमाने का भी मौका है। इसमें हर ग्रुप से 125 बच्चे हैं, उन 125 बच्चों में से 20-20 बच्चे हर ग्रुप से चयनित किए जाते हैं। इस तरह से कुल 100 बच्चों का चयन होता है एक परीक्षा के माध्यम से। परीक्षा जब वो लौट कर आ जाते हैं यात्रा से, उसके बाद में एक दिन पहले यात्रा से लौट कर आ जाते हैं, और उसके बाद उनकी परीक्षा होती है, और जो बच्चे चयनित होते हैं उन्हें प्रति माह की छात्रवृत्ति मिलती है। और जो बच्चे चयनित नहीं भी हैं, जो बच्चे विज्ञान मंथन यात्रा करके आए हैं, उन बच्चों को 4 किताबें पूरे 1 वर्ष के लिए उनके पते पर, उनके घर के पते पर भेजी जाती है, उनका विज्ञान का ज्ञान बढ़ाने के लिए। तो आपको जब भी मौका मिले आप विज्ञान मंथन यात्रा में ज़रूर जाइए और इसका पूरा फायदा